हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ न्यू इंटरेस्टिंग और यूज़फुल पजल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं और आपके माइंड एबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगी। जो पजल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दी जाएंगी, उसके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। आपको उस लिमिटेड टाइम में पजल को सॉल्व करना है। देखते हैं कि हमारी फर्स्ट पजल क्या दी हुई है। आप जो फर्स्ट पजल है वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। आपका टाइम शुरू होता है, देखिए उसका आंसर उसी में छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, पजल का लॉजिक फाइंड करना है कि क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है। अगर आपने पजल का लॉजिक फाइंड कर लिया तो आप इजीली पजल को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पजल का लॉजिक फाइंड करना है। पजल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नंबर किस बिहाफ पे यूज़ हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, उसी बिहाफ पे हमें क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन करना है। जल्दी कीजिए, आपका टाइम अप होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी कोशिश कीजिए पजल को सॉल्व करने की। आपका टाइम अप हो गया है। अब हम देखते हैं कि पजल का सलूशन क्या है। हमारी पजल क्या थी, हमारी पजल थी 1 + 2 = 6, 2 + 3 = 15, 3 + 4 = 32 एंड हमें डिटरमाइन करना था कि 5 + 6 की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई भी पजल सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉजिक फाइंड करना है कि पजल में क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, जो नंबर्स हैं वो किस बिहाफ पे यूज़ हो रहे हैं, नंबर्स क्या कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने लॉजिक फाइंड कर लिया जो भी पजल में यूज़ हो रहा है, तो हम इजीली पजल को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक और बहुत ही कम टाइम में पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है। तो यहाँ एक बात ऑब्जर्व करना, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 × 2। ये 3 हो जाएगा, 3 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 को हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 3 + 5 × 4। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से ऐड किया, देन जो भी वैल्यू है उसे हमने सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम 3 को किससे कर रहे हैं, सेकेंड नंबर से ऐड नहीं कर रहे हैं, हम 5 से ऐड कर रहे हैं। देन जो भी वैल्यू आ रही है उसे हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या क्यों किया, यहाँ जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ये नंबर्स नहीं, ये नंबर्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट प्राइम नंबर से ऐड कर रहे हैं, देन सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर से ऐड कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है उसे सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी हमने यही किया, टू क्या था हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर था। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है। ये क्या हो जाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, इससे 5 के बाद हमें 7 मिलना चाहिए, 7 हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, एक नंबर मिसिंग है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 4 + 5। 4 + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 5 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 4, एंड 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 7, प्लस 7 कर देंगे, देन सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 4 = 11 हो जाएगा, और 11 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा। इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 5 है प्लस प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, देन मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हमारे पजल का आंसर हो जाएगा। तो जो ये पजल थी हमारी, 1 + 2 = 6, 2 + 3 = 15, 3 + 4 = 32, और हमें डिटरमाइन करना था कि 5 + 6 की वैल्यू क्या होगी। तो 5 + 6 की वैल्यू क्या होगी, 5 + 6 की वैल्यू होगी 96। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पजल पसंद आई होगी। ऐसे ही कई सारी पजल से रिलेटेड मैंने एक PDF बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी पजल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पजल में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पजल समझ नहीं आता या आपको पजल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने डाउट्स को, आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि बाकी के लोग भी अच्छे से पजल सीख सके, उनका भी मैथ स्ट्रांग हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।